कहते हैं आपने अपने जीवन में क्या कमाया है ये मरने के बाद पता चलता है। न्यूज एंकर और जर्नलिस्ट रोहित सरदाना का चले जाना सबको रुला गया। सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देती हुई पोस्ट्स की बाढ़ आई हुई है। उनके साथी पत्रकारों के आंसू नहीं थम रहे, लेकिन इस गमगीन माहौल में भी एक पत्रकार महोदय ऐसे हैं जो अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आए। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने 75 बीघा लंबा पोस्ट लिखा, लेकिन अपने अंदर की कुंठा और जहर को बाहर निकलने से वो नहीं रोक पाए। यूं तो वो रोहित को एक लाइन में भी श्रद्धांजलि दे सकते थे, लेकिन शायद एक लाइन में उनका एजेंडा सेट नहीं होता, इसलिए अपनी आदत के मुताबिक 75 बीघा में पोस्ट लिखा और उसे 11 बार उन्होंने एडिट किया। पोस्ट की लंबाई देखकर तो आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं। अगर अंदाज़ा नहीं लगाया तो चलिए बता देते हैं, हम ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ और निष्पक्ष पत्रकार रवीश जी की बात कर रहे हैं। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देने वाली इस पोस्ट में रवीश जी ने उन्हें सरकार का पत्रकार बताते हुए कहा कि सरकार को अपने पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर 11 बार में उसे एडिट करते हुए सरकार का पत्रकार हटाकर उन्होंने पत्रकार किया। फिर डॉक्टरों के इलाज, दवा, अस्पताल वगैरह पर उन्होंने सवाल उठाए। डॉक्टर लोग भी वैसे निरे बेवकूफ़ हैं, उन्हें रवीश जी से पूछकर दवा वगैरह और इलाज वगैरह करना चाहिए। आखिर पिछली सरकार भी तो न्यूज़ रूम में बैठने वालों से पूछकर मंत्रिमंडल का गठन करती थी ना, स्पेक्ट्रम बांटती थी ना, तो डॉक्टर आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ा सवाल है। पहले रायता फैलाना और फिर उस रायते को जीभ से लभेर कर साफ करना, इस 0 TRP पत्रकार महोदय की खासियत है। अब हाल ही की बात ले लीजिए, बीते दिनों RSS के 85 वर्षीय स्वयंसेवक नारायण की स्टोरी सामने आई, जिसमें उन्होंने अस्पताल का अपना बेड एक युवा को ये कहकर दे दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। अब रवीश जी ने एक अज्ञात वेबसाइट की स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा कि ये फेक कहानी थी। कुछ देर बाद उन्हें वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ी। शायद उन्हें एहसास हो गया कि उनकी मक्कारी पकड़ी गई है, लेकिन स्टोरी डिलीट करने के बाद उनकी कोई सफाई वगैरह नहीं आई। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की थी, मुस्लिम ने किया कोरोना संक्रमित हिंदू का अंतिम संस्कार क्योंकि उसके परिवार वाले नहीं कर रहे थे। खैर, चंद घंटों में ही उस खबर की भी चटनी बन गई, शायद उसे भी श्री श्री रवीश जी ने डिलीट कर दिया क्योंकि उनके वॉल पर वो नहीं दिखी। हम इसीलिए कह रहे हैं कि पहले रायता फैलाना और फिर उस रायते को जीभ से लभेर कर साफ करना इस 0 TRP पत्रकार महोदय की खासियत बन गई है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाकी रवीश जी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।